चार लाइनें याद आई, उससे शुरू करता हूँ कि कितनी भी कहते रहो रहे अनकही बात, बड़ों बड़ों की ना चली अपनी कहाँ भी साथ। तो हम कितना भी कर लें ये बात पूरी नहीं होती और ये कंप्लीट नहीं होती, देयर इज ऑलवेज समथिंग लेफ्ट, और ये हमने कोई नहीं कर पाया। और हमारे महाराज तो अनंत हैं, उनका हिसाब किताब तो खुद ब्रह्मा जी और विष्णु जी को नहीं पता चला, तो हमारे जैसे नाचीज का तो उनके बारे में बात करना भी और ये सोचना भी कि हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन अपनी सेवा है और अपने परिवार के बीच में कर रहे हैं, तो गुस्ताखी माफ, जिस लायक हैं उस लायक आपके सामने। बहुत बार आज शुरू करते हैं पुरानी संगत से, ये बहुत सुनने को मिलता है कि अंकल पुरानी संगत है, गुरु जी के सामने रहे, गुरु जी को देखा, तो कुछ संगत के अंदर ऐसी कोई बात आ गई है जिससे वो नई संगत को शायद रास्ता दिखा सके, महाराज से जोड़ सके, कुछ ऐसा कर सके। और कभी कभी तो ऐसा इंप्रेशन भी बन जाता है कि शायद गुरु जी से जुड़े ना जुड़े, संगत से जुड़े, पुरानी से काफी है, उसी से काम चल जाएगा। देर इज नथिंग फार्देस्ट फ्रॉम ट्रूथ। ये मेरी कभी समझ में नहीं आया। तो नई संगत जो गुरु जी से चोला बदलने के बाद में जुड़ी, जिन्होंने महाराज के दर्शन नहीं किए, उनसे इतना तो कहना बनता है कि हाँ भाई, वी वर फॉर्चुनेट, वी हैड दैट अपॉर्चुनिटी, बट ये हमें आपसे कुछ बेटर बनाता है या केपेबल बनाता है ये समझ में नहीं आता। बल्कि हाँ, एक जिम्मेदारी जरूर है, और जिम्मेदारी इस तरह से है कि कहीं गलती से भी नई संगत को ये इंप्रेशन नहीं आ जाए कि हम में कुछ खास है। इस तरह की बात हो गई कि जैसे एक पोस्टमैन एक लड़के की फियांसी को लेटर डिलीवर करता, लड़की से पढ़ा नहीं जाए तो उस पोस्टमैन से बोलती थी कि इसको जरा तुम पढ़ के सुना दो, तो वो लेटर आते रहे, लड़की पढ़ के सुना पढ़, लड़की को पढ़ के सुनाता रहा, थोड़े दिनों में पता चला वो पोस्टमैन के साथ ही निकल ली, क्योंकि वो उसे ये लगा कि ये लेटर ये ही पढ़ के सुना रहा है, ये पोस्टमैन ही है जो असली बंदा है। हम पोस्टमैन है, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम नई संगत को जरा भी ये इंप्रेशन नहीं आने दें कि इसके बीच में हम दूर दूर तक कहीं हैं। और ये जितना फेस टू फेस संगत करने में, सत्संग करने में जिम्मेदारी है, उतना ही फेसबुक पे और ट्विटर पे है। सोशल मीडिया एक डबल एज वेपन है, ये जितना सुनने वाले को हिट कर सकता है, उतना सुनाने वालों। गुरुजी के दरबार में एक भजन चलता था, उसकी एक लाइन है कि साढ़े गुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लगना। मीनिंग हम सबका यही है, सुनने वाले का भी, सुनाने वाला है क्या, कि भैया महाराज का जहाज है, जिसे पार चलना है उसमें आ जाओ। इनविटेशन है, अनकंडीशनल इनविटेशन है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते रह जाएं, फेसबुक पे अटक जाएं और संगत गुरु के जहाज में चढ़ के निकल जाएं। इसलिए ये सारे मीडियम हैं, ये टूल्स हैं, इनका उपयोग करें, एक दूसरे से जुड़े जरूर, लेकिन एम गुरु के चरणों में जाना और गुरु के जहाज में चढ़ना है। पुष्करना अंकल ने एक बात कही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे जब मौका मिलता है मैं सुनाता हूँ, कि हम संगत सारे एक छाते के स्पोक्स की तरह से, तार की तरह से हैं, जुड़े तो हैं मगर गुरु जी से जुड़े हैं, ये तार आपस में नहीं जुड़ते। छाते की जो मेन जो स्टेम है उसमें ऊपर की तरफ सारे जुड़े हुए हैं और देखने में लगता है एक अम्ब्रेला है, लेकिन अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो छाता खुले भी नहीं। हम सारे इकट्ठे तो हैं पर जुड़े गुरुजी से, और उसी तरह से जुड़े पुराने
पुरानी संगत से नई संगत से जुड़ के ग्रुप बना के इकट्ठे होके छाता भी नहीं खुलना, तार उलझ जाते हैं तो नहीं खुलता है। तो जुड़े रहें मगर गुरु से जुड़े रहें, आपस में ना जुड़े, एक दूसरे के फॉलोअर्स नहीं बन जाएं, पोस्टमैन के साथ ना किसी की फैंसी भाग जाए, बस इसका ध्यान रखें। जय गुरु जी। इसके साथ में आज हम भारत का सत्संग शुरू करते हैं। छोटी छोटी दो तीन एनेक्डोट्स और उसके बाद में फिर सत्संग शुरू करते हैं। महाराज के दरबार में जब जानना शुरू किया तो नोटिस किया कि घूम फिर के हम चाहे कहीं बैठ जाएं, थोड़ी देर में या तो चटर्जी अंकल हमारे पास आके बैठ जाते या हमें एक ही जगह मिलती जहां पे चटर्जी अंकल बैठे होते थे। ऐसा क्यों हो गया पता नहीं, लेकिन ये समझ में आ गया कि हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब अंकल के पास था। चटर्जी अंकल ने हमें उन सब सवालों के जवाब दे दिए जो दिमाग में आते रहते थे। गुरुजी को क्या मैसेज है ये तो आप तक पहुंचाना ही है, लेकिन मैसेज किसके थ्रू आएगा, वो मीडियम कौन होना है, वो डिसीजन भी महाराज का है। और हमारे पास मैसेज और मैसेंजर दोनों महाराज ने भेजे, और ऐसा मैसेंजर भेजा जिसने हमें गुरु से जोड़ा, अपने आप से नहीं जोड़ा, अपने को बीच से बाहर रखा। तो चटर्जी अंकल जैसा मैसेंजर बने। हम लोग बैठे हुए थे, चटर्जी अंकल बड़े प्राउडली गुरु जी का एक स्वरूप अपने चेस्ट पे बैज की तरह से डिस्प्ले करते थे। हमारे पास नहीं था तो हम सोचते दो तरह की संगति महाराज के दरबार में, एक तो वो जिनके पास गुरु का स्वरूप है और दूसरे वो जिनके पास नहीं है। तो मन करता था कि शायद अच्छे से ट्रीटमेंट इस बात से मिलता हो देख के सेवादारों से कि भाई इनके पास स्वरूप है कि नहीं है, शायद यही आइडेंटिफिकेशन है कि पुरानी संगत कौन है या ब्लेस्ड संगत कौन है और ये जो फालतू के लोग आके बैठ गए हैं भीड़ बना के ये कौन है। तो अच्छे से मन करता था हमें भी मिल जाए। तो चटर्जी अंकल से पूछा, अंकल ये स्वरूप कैसे मिलता है? तो अपनी बंगाली वाली अंग्रेजी में और हिंदी में बोले, गुरुजी से मांग लो। तो मैंने कहा, अंकल गुरुजी के सामने मुंह खुल पाता होता तो आपसे कहने की क्या जरूरत थी, आप कुछ करो ना, दिलवा दो। बोले नहीं, स्वरूप तो गुरुजी देंगे और आपको जाके महाराज से बात करने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे रहो, यहीं पे हाथ जोड़ के और मांग लो। यकीन नहीं होना था, नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है वो फीलिंग की, यार सीनियर फौजी ने जूनियर फौजी को गोली दे दी, अभी आंख बंद करके मांगते रहो, ऐसे थोड़ा ही होता है। लेकिन रिचुअल था, किया, हाथ जोड़े, लंगर करते करते बीच में कैजुअली ऐसे महाराज स्वरूप चाहिए। मुझे याद है उस समय हम किचन के का जो डोर था उसके बराबर में थोड़ी सी स्पेस थी कैबिनेट के साथ में टॉयलेट के और स्टोर के बीच में, वहां बैठे लंगर कर रहे थे। एवरी इंच ऑफ स्पेस हैड टू बी यूज्ड, देयरफॉर लंगर करने के टाइम तक अगर आप टॉयलेट यूज नहीं कर पाए तो हो गया आपका काम, फिर आपको जब मौका मिलेगा तब मिलेगा। देयर यूज्ड टू बी क्वाइट अ लाइन एट दैट टाइम, और अच्छा भी नहीं लगता था बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन लाइन एंड यू कुड बी सीन बाई गुरु जी। सो समझदार लोग कम पानी पी के आते थे एंड वी वर वन ऑफ देम that you don't want to be seen by Maharaj queuing up for loo. Anyway, हमने आँख बंद की, गुरुजी से स्वरूप मांग लिया और बात भूल गए। लंगर लेने के बाद में जब महाराज की आज्ञा हुई घर जाने के लिए तो हम उठे, लाइन में लगे, मैं और आंटी, शायद 5-6-7 ऐसे कुछ संगत दूर होंगे महाराज से मत्था टेक के आगे लेके जाने के लिए। तभी गुरुजी ने हाथ का इशारा किया और एक सेवादार ने आके उन्हें एक डब्बा दे दिया।
मेरा जब टर्न आया तो ही डब्बा खुला, उसमें से गुरुजी ने 4 स्वरूप निकाले और मुझे दे दिए, डब्बा बंद किया और वापस भेज दिया। अगर किसी और को मिला तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि महाराज के सामने आंख खोलने की, ऊपर सिर उठा के महाराज को देखने की, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी कभी हिम्मत नहीं आई। तो स्वरूप मिल गया। चटर्जी अंकल को बाद में बताया, अंकल स्वरूप मिल गया। बोले मैंने बोला था गुरु जी से केवल आपको अरदास करनी होती है, और आप कहीं भी हो अरदास महाराज को ऐसे पहुंचती है जैसे आमने सामने हो। इसी तरीके से एक छोटी सी एनेक्डोट मुझे और याद आई कि मैं थोड़े दिनों में मैंने देखा कि दो तरह की संगत है। एक संगत जो गुरु जी के पास बैठ जाती है आके, गुरु जी उनसे बात भी करते हैं और उन्हें सेवा भी मिल जाती है, चरण भी दबाते रहते हैं। और एक संगत होती है हमारी जैसी जो गुरु जी से डरते भी हैं, दूर भी बैठते हैं, उनकी तरफ देख भी नहीं सकते और हमेशा इस भाव के साथ में रहते हैं कि यार यहाँ से महाराज किसी न किस दिन निकाल देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम वो संगति नहीं हो जो यहाँ डिजर्व करते हो आके बैठने के लायक, इसलिए दूर बैठो, चू चपट मत करो, कोई कंप्लेन महाराज के पास भी नहीं पहुंच जाए। तो इस फीलिंग के साथ में वहां रहना। लेकिन एक अंकल ने मेरे सामने गुरुजी के पास गए, सीधे से थे बेचारे, हाथ जोड़ा और गुरुजी के चरणों की तरफ इशारा करके उन्होंने पूछा कि महाराज मैं आपके चरण दबा दूं। गुरुजी ने उसे भगा दिया। तो मेरी थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी कि मैं एक दिन गुरुजी के पास जाके बोलूंगा महाराज मुझे चरण दबाने आपके, ये सेवा मुझे थोड़ी सी मिल जाए, उसका पटाक्षेप दी एंड उस उम्मीद का उसी वक्त हो गया था जिस वक्त हमने उस संगत की हालत देखी। बोले मुझे ऐसे अगर महाराज ने भगा दिया तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए कुछ मत करो। लेकिन फिर दिमाग में एक तिकड़म आई कि जब मत्था टेकते हैं महाराज के सामने आज्ञा लेने के लिए तो गुरुजी के चरण तो नीचे रखे रहते हैं, तो दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और 2-3 बार दबा देंगे, जितने में झुकने में उठने में जो 2 सेकंड लगे उसमें हिसाब से नो प्लान बनाया, मन में कई बार सोचा कैसे करेंगे, एंड इट लुक लाइक ए गुड आइडिया, पूछना भी नहीं पड़ेगा, चरण भी दब जाएंगे और एक बार में नहीं तो 10-15 बार मत्था टेकने में अच्छे से 1-2 मिनट के चरण दबाने की सेवा तो हो ही जाएगी। अगली बार जब मत्था टेका तो वही किया, महाराज के एक चरण नीचे दूसरा घुटने पे और मत्था टेका, दोनों हाथों से पकड़ा और जब सिर झुकाने से लेकर सिर उठाने के बीच में 3 बार चरण दिए एंड केम आउट। यू कैन लुक एट माय फेस टुडे, द हैप्पीनेस न्यू नो एंड। मैंने फाइनली महाराज के चरण दबाए, भले ही 3 सेकंड के लिए दबाए लेकिन दबाए मैं, आई केम आउट, हाथों में महाराज की फ्रेग्रेंस, आंटी को सुहाया और मुट्ठी बंद कर ली। अब मैं किसी से हाथ भी नहीं मिलाने वाला था और मैंने हाथ धोने भी नहीं थे अगले दिन सुबह तक तो बिल्कुल नहीं। एचो आई यूज टू बी लाइक दिस, फिस्ट क्लोज्ड, कार भी चलाई लेकिन एक हाथ तो बंद ही है, और घर तक महाराज की फ्रेग्रेंस लेके आए और हाथों से वो जाए नहीं, आपने उनके चरण छू लिए। तो ये अब तो जैसे कहते ना शेर के मुंह इंसान का खून लग गया, अब तो लालच पड़ गया, अब वो 3 बार दबाना 4 बार हो गया, 4 बार दबाना 5 बार हो गया, एंड नाउ द ग्रीड इज जस्ट गेटिंग ओवर महाराज के चरण। अब महाराज ने अगर 3 बार के लिए मना नहीं किया तो 4 बार के लिए क्या मना करेंगे। टिल वन डे महाराज रियलाइज की कुछ ज्यादा हो गया है, इसको जरा ठीक करना पड़ेगा। तो एक दिन अब मैं मत्था टेका तो सिर का झुकना और सिर का उठना बहुत स्लो हो गया, जो काम मैं 3 सेकंड में कर लेता था वो 6-7 सेकंड हो गए, क्योंकि मुझे चरण भी दबाने थे। एंड गुरुजी आंटी पीछे खड़ी है, गुरुजी कहते बस चल हो गया, एंड देन आई इमीडिएटली विड्रू, मत्था टेका बाहर निकला, एंड आई वॉज वरीड कि अब क्या। Did I do it?
उसके बाद में अगली बार मैंने जब महाराज बैठे चरण नीचे और मैंने मत्था टेका, और इट वॉज क्वाइट फनी ऑल्सो बिकॉज मैंने आगे चरण पकड़ने की कोशिश की तो मिले नहीं। अब बंदा आंख बंद किए हुए ऊपर देखने की हिम्मत नहीं है, और नीचे जैसे अपना गिरा हुआ सिक्का टटोलता है ना बंदा अंधेरे में, मैं उस तरीके से महाराज के चरण ढूंढ रहा हूं, नहीं मिले। ऊपर को मुंह किया तो देखा गुरुजी ने मेरे मत्था टेकते ही पालथी लगा ली, दूसरा चरण भी ऊपर। एंड देन फॉर ए चेंज मे बी फर्स्ट टाइम आई लुक्ड अप, महाराज को देखा, हैड दैट लिटिल आई कॉन्टेक्ट, एंड महाराज के हाथ का इशारा, चलो बेसिकली हो गया तुम्हारा, बहुत दिन चरण दबा लिए, दिस इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस। तो दिल टूट गया, इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था, अच्छे से चल रहा था, क्या बिगड़ जाता। तो उसके बाद में फिर ऐसे होने लगा जैसे चटर्जी अंकल ने बताया था ना कि आप प्रार्थना कर लो तो सुन लेते हैं, तो मैं लाइन में जैसे ही लगता था वैसे ही हाथ जोड़ के रखता था, महाराज चरण नीचे, महाराज चरण नीचे, प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल ज्यादा से नहीं दबा दूंगा, एक ही बार में बस, मगर मुझे प्लीज चरण नीचे। और जब तक ऐसा भी कई बार हुआ कि जब तक मैं वहां पहुंचा, अगर गुरुजी ने ऊपर पालथी भी लगा रखी थी तो प्यार से एक चरण नीचे रख देते थे, चल भाई, लेकिन ज्यादा नहीं, प्रसाद की तरह से थोड़ा सा। और मैं फिर तमीज से एक बार दबा के मत्था टेक के निहाल होके उठ के घर तक आता था। एक 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 चीज मुझे आंटी बहुत इरिटेट होती थी, जिससे मैं हमेशा आंटी को कहता था तू पीछे की तरफ खड़ी रहकर, और जब मैं मत्था टेकूं तो देखा करके गुरुजी ने मुझे देखा कि नहीं। अब ये कार में रोज का इरिटेशन हो गया उसका, यहां से वहां तक मुझे सुनना होता था कि गुरुजी जब बात कर रहे थे अंकल से, मैंने मत्था टेका मेरी तरफ देखा कि नहीं देखा, देखा तो प्यार से देखा कि नहीं देखा, प्यार से देखा तो कितनी देर देखा कि नहीं देखा। एक दिन बोली ऊपर मुंह करके देख लिया करो ना, मुझे क्यों तुम तंग करते हो, तो आंटी से पूछना भी बंद हो गया फिर। मगर ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो उस जमाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आज तो वो जैसे जैसे गुदगुदी कर देती हैं आपके मन में, आत्मा तक ठंडी हो जाती है सोच के कि वो मोमेंट थे, और आज आपके साथ शेयर करने में, सत्संग करने में वो दोबारा से जिए जाते हैं। बट मेरा ये सत्संग शेयर करने के पीछे जो एम है, मकसद है, एक तो ये है ही कि मुझे याद आता है, दूसरा ये कि आपको मैं ये बता सकूं हमारे गुरु कितने सिंपल, कितने बिनाइन, कितने लविंग, कितने केयरिंग, कितने अपनी संगत को प्यार करने वाले हैं। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, माइनर सा इंटरेक्शन, आपका जरा सा थॉट, एंड गुरु इज देयर टू टेक केयर ऑफ दैट इमोशन। मेरे बच्चे हैं, मुझे इनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं था आपकी जिंदगी का जो महाराज के कंट्रोल में नहीं था, और ये केवल बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें। अब जैसे आगे शेयर करेंगे तो सचखंड के प्रसाद का शेयर करता हूं पहले, उसके बाद अगले उस पर। संगत से सुना करते थे कि महाराज कभी कभी सचखंड से प्रसाद मंगाते हैं और संगत को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फलाने को मिला, फलाने को मिला, फलाने को मिला, एंड देन अगेन जैसे वो संगत दो तरह की थी ना, जिनके पास स्वरूप था और जिनके पास नहीं था, ऐसे ही संगत दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, जिनको सचखंड का प्रसाद मिला और हमारे जैसे जिन्हें नहीं मिला। तो चाहे हम एक्सप्रेस नहीं करें लेकिन मन में इतना तो रहता था, मिल जाता, महाराज आपके लिए कौन बड़ी बात है, एक दिन ऐसे ही हवा में मंगा के और हमें भी दे दो। आई एम श्योर आपको भी ऐसी फीलिंग आती होगी। तो
एक दिन नॉन संगत देश है, वेडनेसडे की रात थी, सोया मैं, गुरु जी का सपना आया जो कि रेयर अकरिंग थी, रोज नहीं आता था, कभी कभी आया तो आया। और अब तो महाराज ने जैसे मेरे सपनों का रास्ता ही भूल गए, मुझे तो ये भी याद नहीं पिछली बार महाराज के दर्शन सपने में किए कब थे। तो आज जब नई संगत बताती ना, मैं गुरुजी ने ऐसे सपने दिए, ऐसे बोला, तो महाराज से कंप्लेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इच्छा तो रहती है, महाराज सपने तो हमारे भी, एड्रेस हमारा भी आपको पता है, ये हुआ क्या है आखिर, हमने क्या किया है। तो सपने में गुरुजी मुझे याद है, टेबल के पीछे चेयर पे बैठे, मैं सामने हाथ जोड़े खड़ा हूं और वो एक बर्फी मुझे देते हैं, कहते कमांडर ये ले तेरा प्रसाद है। उसके साथ और भी कुछ बातें कही और ये भी कहा कि इसे खत्म मत करना, इसे संभाल के रखना, विद सम इंस्ट्रक्शंस। अगले दिन जैसे सपना आया था, तो अगले दिन मन में आया आज तो गुरु जी के पास जाना ही जाना है। आपका दिन नहीं था, पता था डांट पड़ सकती है सैटरडे को नहीं गए तो, लेकिन कौन रोके। मैंने आंटी से बोला मैं तो जा रहा, इसने कहा मेरे लिए सैटरडे काफी है, मुझे नहीं जाना। That was the only time she did not come with me and regretted. विमल अंकल से बात की, पुष्कर अंकल से बात की, क्योंकि अपने भाई लोग सारे चले तो और भी अच्छा लगे। पहुंच गए जी 9 बजे के आसपास, लंगर से थोड़ा पहले। म्यूजिक बंद हो गया, शब्द बंद हो गए, महाराज ने अपने दोनों हाथ ऊपर जोड़ लिए, तो साइलेंट सी हो गई और फ्रेग्रेंस फैल गई। वैसे भी फ्रेग्रेंस होती हर समय वहां पे, फ्रेग्रेंस तो खैर जहां कार की पार्किंग होती थी मेन रोड पे एम्पायर स्टेट के बाहर, वहां से ही शुरू हो जाती, लेकिन तो और भी इंटेंसिटी बढ़ गई, परफ्यूम किसी ने स्प्रे कर दिया। और जो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे साइड में, उनमें हल्का हल्का अमृत सा आने लगा, कम से कम स्क्रीन उनका शीशा ऊपर का गीला गीला सा तो हो गया, बहता हुआ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आई कुड फील कि वो थोड़ा सा वेट सा है, खासतौर से वो स्वरूप जो सीढ़ियों में लगा था, जिसमें गुरुजी महाराज दोनों हाथों से अपनी थोड़ी के नीचे रख के फेस को रेस्ट किए हुए। एक अंकल ने बोला धीरे से, खुशबू जैसी आवाज में, क्योंकि वहां ज्यादा बोलते नहीं थे, ध्यान महाराज में लगा रहता, कि शायद सचखंड का प्रसाद आज आएगा। अपनी आदत के हिसाब से पीछे बैठा हुआ था, दूर से ज्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लगा है जैसे महाराज के हाथ में एक सफेद सा कुछ लड्डू जैसा, मगर खोए में रैप्ड अप टाइप कुछ प्रसाद आ गया। और फिर जोशी अंकल ने बोला कि ये यहां वाली संगत ऊपर जाओ और लाइन में नीचे लाइन बनेगी। हम ऊपर पहुंच गए, गरेवाल अंकल के बराबर में बैठते थे उस जमाने में, क्योंकि पहले चैटर्जी अंकल के बराबर में गुरुजी ने बैठाया और फिर गरेवाल अंकल के बराबर में बैठाने लगे, क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन बैठाने लगे। मैं गरेवाल अंकल से बोला, अंकल इतने दिन अरदास की महाराज का कि सचखंड का प्रसाद मिले, और आज महाराज ने हमारे सामने उसे लाए भी, पर अंकल इतना सा प्रसाद है और हमें इन्होंने ऊपर भेज दिया, ये तो आसमान से गिरा, खजूर में लटक गया, अपने हाथ तो फिर भी नहीं लगना, क्योंकि वो 250 संगत और ये 20 ग्राम का लड्डू किस किस के हाथ में आएगा। सो आई वाज इन वेरी हैप्पी, बट करेवाल अंकल सेड कमांडर आज तो सारी दिल्ली भी आ जाए ना, तो ये प्रसाद खत्म नहीं होना, इसलिए आराम से बैठो, नंबर आएगा। And he was so right. And thank Guruji for that, because नंबर आया, and नीचे से आवाज आई, ऊपर की संगत नीचे आ जाओ।
लाइन में लगे जी, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई मारा मारी नहीं। पहुंचे वहां पे तो देखा RDCT के रहेजा अंकल के हाथ में एक रुमाल है, रुमाल के बीच में प्रसाद रखा है और गुरुजी उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके संगत को दे रहे। और मेरे पास भी जब आया सो सब्सटेंशियल क्वांटिटी में आया, इतना आया कि अगर उतना उतना सबको दिया जाता और तो वो लड्डू 20 से ज्यादा संगत में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन सब्सटेंशियल क्वांटिटी में लेके आके गिरे वाले अंकल के साथ ऊपर बैठ गया। और अंकल ने बोला इसे घर ले जा सकते हैं अंकल, इसे खत्म यहां करने की जरूरत नहीं है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट दी हाथ में सचखंड का प्रसाद है एंड थोड़ा सा लेके जीभ के ऊपर रखा। ये पहली और आखिरी खाने की चीज थी जिसको जीभ से रख के शरीर के एक एक अंग ने, एक एक सेल ने डायरेक्टली रिसीव किया वहां से, सिर से लेके टो तक। वो जैसे बिजली का करंट लगे तो सारे शरीर में इंस्टेंटली लगता है ना, उस तरीके से वो खाया नहीं गया, वो मुंह में गया और सारे शरीर में उसने एक ऐसा ठंडापन पहुंचाया जैसे आपने आइस की फैक्ट्री खा ली हो। फ्रेग्रेंस तो थी, उसके बाद थोड़ा सा रखा क्योंकि घर ले जाना था, आंटी के साथ शेयर करना था। और मुझे वो सपना याद आया रात को, महाराज ने कहा था इसे खत्म मत करना। तो हम लोगों ने थोड़ा सा खाया और जिन्हें जिन्हें परिवार में दे सकते थे उन्हें बुला के सुई की नोक जितना जी पे सबके रखा और बाकी आंटी ने लॉकर में रैप करके रख दिया। आज भी है लेकिन महाराज की इंस्ट्रक्शंस की वेट कर रहे हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उसे देखते भी नहीं क्योंकि देखने से ही खत्म ना हो जाए, इसलिए चुप रहते हैं और वो कांच की शीशी में फोल्ड करके। लेकिन जैसा था वैसा ही है, लास्ट टाइम जब देखा था बहुत सालों के बाद में, गुरु के प्रसाद में ना तो कुछ चेंज आता सचखंड के प्रसाद में, ना उसकी फ्रेग्रेंस जाती है, लेकिन दोबारा फिर स्वाद नहीं लिया उसका। हम इसी बात से खुश हैं कि है और जब महाराज का हुक्म होगा तो जैसे होगा, देखते क्या बोलते हैं। लेकिन सचखंड का प्रसाद, महाराज से आप अरदास कर दें और वो सुने नहीं, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अरदास करने की जरूरत नहीं होती है, आपने खूब सुना है ना कि गुरुजी को से मांगो मत, महाराज को मान लो। तो ये बात अपने आप में इतनी बड़ी है कि सुनिया आंटी, इसका एक सेशन कल मैं महाराज की आज्ञा से करना चाहूंगा कि हम इसी बात को कितने ध्यान से हम लोग समझें कि महाराज को मानना कितना जरूरी है और मांगना कितना वाहियात बात है। तो इसलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और अब यहां से आगे बढ़ते हैं। गुरुजी महाराज गुड़गांव में मदान अंकल के घर भी आ गए थे और माथुर अंकल के घर भी आ गए थे और मुझे याद है शंकर विहार में भी एक फौजी अंकल के घर, जनरल साहब के घर गए थे। तो मुझे लगता था, मैंने सिंगला अंकल से एक दिन बात की तो अंकल बोले कि कमांडर गुरुजी घर आ जाते हैं आजकल, अगर आप उनसे अरदास कर लो तो हो सकता है आपके यहां भी आ जाए। अब किसका मन नहीं करेगा गुरुजी आपके घर में चरण डालें, सोच के देखिए। गुरुजी का स्वरूप आ जाता है तो आदमी निहाल हो जाता है और गुरुजी तो आ सकते थे तो एक उम्मीद बनी। लेकिन जब मैं महाराज के सामने पूरी हिम्मत करके कोरियोग्राफी के साथ में गया और मैंने हाथ जोड़ के कहा तो मेरे से यही नहीं निकला कि गुरुजी घर में चरण डालो, मेरे मुंह से जो निकला वो ये था महाराज गुड़गांव में चरण डालो, क्योंकि गुरु ने आपसे कहलवाना तो वही है जो वो करना चाहते हैं। और मैंने बोला
और गुरुजी ने मुझे वहां से ऐसे भगाया कि मेरी दोबारा कहने की हिम्मत बहुत दिनों तक नहीं हुई। तो ये बात शुरू हुई थी 2004 के में किसी टाइम में एंड में, और उस क्लेयर फॉर्म में क्लेयर अंकल के घर भी गुरुजी ने सत्संग किया था, तो उम्मीद बांधना कुछ नाजायजी बात भी नहीं लग रही थी। और तब तक इतनी हिम्मत हो गई थी क्योंकि गुड़गांव में सत्संग भी करने लगे थे, तो लगा था शायद महाराज सुन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कमांडर अंकल डिसमिस कर दिए गए महाराज के सामने से इस तरीके से कि फिर कई महीने तक हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वही वाली बात है, जब आप गुरु के जैसे जैसे वो जैसे आपके घर के बाहर जैसे आपका एक पालतू कुत्ता होता है ना जो गेट पे पहरा देता है, और आप उसे भगा दो तो 2 दिन के बाद में फिर से वहीं आके बैठ जाएगा, जाएगा नहीं। तो मैं कहाँ जाने वाला था। 3-4 महीने बाद फिर से हिम्मत की, शायद पुरानी बात भूल जाएंगे, मैंने एक बार फिर हाथ जोड़े, मैंने महाराज गुड़गांव में चरण डाला। इस बार भगाया नहीं लेकिन कुछ कहा भी नहीं, इग्नोर कर दिया जैसे मैंने कुछ कहा नहीं। बट इट वॉज लॉट बेटर देन लास्ट टाइम एंड आई सेड कुछ तो फर्क पड़ा है, मैं महाराज से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा। और फिर थोड़ा और समय हो गया, इस सारी प्रोसेस में करीब साल भर लग गया, क्योंकि एक बार आपने बोला दोबारा बोलने में कई महीने चाहिए, कलेजा चाहिए महाराज से बात करने के लिए, हिम्मत चाहिए जो नहीं थी, होती भी नहीं थी। और अच्छी बात है, गुरु से डरना भी चाहिए। तो फाइनली जब मैं फिर से पहुंचा तो महाराज ने इस बार बड़े प्यार से देख के बोले दसांगे। बात में पंजाबी ज्यादा आती नहीं थी लेकिन इतनी आती थी कि गुरुजी ने बोला मैं बताऊंगा, दूसरों से कंफर्म कर लिया गुरुजी ने क्या बोला, उन्होंने बता दिया कि अंकल बताएंगे गुरुजी, बस पंख लग गए आपके। अब उस दिन की वेट होनी थी जब महाराज ने बताना था। एक दिन हमारा नॉन संगत डे था, तो मैं आंटी को क्लब लेके गया, सिटी क्लब में हम लोग डिनर कर रहे, सिंगला अंकल का फोन आया, कमांडर कहां हो, गुरुजी बुला रहे हैं। एंड उससे खराब डिनर कभी नहीं किया, क्योंकि मन में ये आया कि आज एक बार गुरुजी ने याद किया, पहली बार जिंदगी में उन्होंने नाम से याद किया, बुलाना था, बात करनी थी, और वो ऐसे बात करनी थी, तुम इस मोमेंट के लिए तरस रहे थे, और बेटा तुम आज डिनर कर रहे हो यहां बैठ के। मैंने कहा अंकल मैं आ रहा हूं, मैं यहाँ पे हूँ, डिनर हो गया, मैं उठ रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट कमिंग, मुझे केवल उतनी देर लगनी है जितनी लगनी है, इससे ज्यादा नहीं लगेगी, बस आप किसी तरह से महाराज को बता दो कि आ रहा है। तो अंकल बोले रुक जाओ मैं गुरुजी से पूछ लूं पहले। उन्होंने बोला बता दिया, हम पकड़े गए जी, और एम्पायर स्टेट में उन्होंने पूछा, तो गुरुजी ने बोला उसे बोल दो आने की जरूरत नहीं है, मैं जनरल कपूर को बता दूंगा, क्योंकि कपूर अंकल वहां पे उस समय थे। कपूर अंकल की लीडरशिप में हम क्ले फॉर्म का सत्संग कर चुके थे, तो हमारी एक छोटी सी टीम बन गई थी। कपूर अंकल को बताया, अंकल ने मुझे बताया, और तैयारियां शुरू हो गई। महाराज गुड़गांव में आएंगे, 28 जनवरी को आएंगे 2006 में, और उसकी तैयारियां करनी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली महाराज ने यह भी बता दिया मेन्यू क्या होगा, कितनी संगत होगी। अब हमने जगह ढूंढनी शुरू करी, महाराज के अप्रूवल ये, तो गुरुजी ने बोला नहीं खुली जगह होनी चाहिए, बड़ी जगह होनी चाहिए। तो जनरल कपूर अंकल ने मेहता अंकल के साथ मिलके लाइब्रेरी पार्क फिक्स करा लिया, गुरुजी से पूछ लिया, अप्रूव हो गया, एंड वी वर ऑल सेट। क्लेयर
क्ले फॉर्म का एक इनकम्प्लीट एक चैप्टर था आंटी का। वो चैप्टर ये था कि क्ले फॉर्म में गुरुजी की जब आरती होनी थी उसमें आंटी का भी नाम था, लेकिन लास्ट मिनट में शी वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर आंटी। सिमिलरली जोशी अंकल ने उस समय भी गुरुजी के लिए खाने के लिए जो कुछ कुछ प्रसाद लाने के लिए बोला था, हम लाए भी थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी सेवा हो, लेकिन इट वॉज पेड फॉर बाय कपूर अंकल बिकॉज ही सेड दिस इज समथिंग दैट आई हैड डिसाइडेड आई विल डू, एंड बिल्कुल तो अंकल ने कर दिया। तो मन में ये था कि हम दोनों चीजों से मिस हो गए। तो आरती करने का मन आंटी का था, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन जोशी अंकल ने फोन करके बता दिया कि अंकल गुरुजी के खाने के लिए आपको ये चीजों का इंतजाम करना है, नमकीन रोस्टेड काजू, बादाम, खुबानी, दो नारियल पानी वाले कटे हुए मगर खुले हुए नहीं, यानी रेडी टू ओपन टाइप्स, और 1 लीटर मौसमी का जूस चिल्ड, चिल्ड एज इन चिल्ड फ्रीजर वाला चिल्ड, और 1 किलो बर्फ। बड़ा आसान था, जाके लेके आए। और इस बार ये था कि महाराज ये सेवा इस बार हमारी होनी चाहिए। सारा काम हो गया, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन दो एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं। आरती कौन करे? वहां तो जनरल कपूर अंकल ने डिसाइड कर लिया था कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन वो तो जनरल कपूर अंकल थे, ये तो कमांडर अंकल है, ये डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे कहा भाई जिस जिसने आरती करनी है, और वो सारे अपनी पर्चियों पे नाम लिख के एक डब्बे में डाल दो, एक एक छोटी बिटिया से पर्ची निकलवा लेंगे, और जिन जिन के नाम आ जाएंगे उन उनका। कमांडर आंटी का नाम फिर भी नहीं आया। शी लुक्ड एट मी एंड आई लुक्ड द अदर वे, कौन आंख मिलाया ऐसे टाइम में आंटी से अपनी, जबकि उसका नाम भी नहीं निकला। आई सेड इग्नोर कर दो बॉस, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर हैंड, और मैं अपनी तरफ से आंटी एक बोलने वाला नहीं हूं। शी कंप्लेन टू महाराज देन एंड देयर, सो नाउ इट वॉज बिटवीन हर एंड महाराज कि क्या होना है। मगर दूसरे जो सामान थे सारे लेके आए गए, वो हमारी सेवा रही, और अब एक छोटा सा काम रह गया था कि मौसमी का 1 लीटर जूस निकालना है, वो हमने कहीं से जूसर का इंतजाम कर देना था, और वो 10 मिनट का काम था, हो जाना था। मैं आंटी को साथ लेके उन दुकानों पे गया जिनमें हमने शेल्फ में जूसर्स रखे देखे थे, लेकिन वहां तो जूसर गायब है। हमने सोचा मैनुअल वाला मिल जाए जिसमें घुमा घुमा के निकाल लेते हैं, वो भी गायब है। हमने फिर उन सब लोगों से पूछा जिन्हें हम जानते थे, उन लोगों के घरों में जूसर गायब थे। ऐसा कौन सा घर होता है जिसके अंदर मिक्सी जूसर नहीं होता बॉस, लेकिन गायब था। हार थक हार के मैं तो अपनी सेवा में लग गया, टेंट की इसकी उसकी, और आंटी ने चक्कू से काटा मौसमी को और हाथ से निचोड़ निचोड़ के 1 लीटर जूस निकालने की शुरुआत की, क्योंकि ये जूस जूसर से अब नहीं निकलने वाला था और उसमें दम लगता है। तो आंटी स्क्वीज करती रहे और बोलती रहे महाराज बहुत मेहनत लग रही है, इसे पी लेना प्लीज, बहुत मेहनत लग रही है पी लेना प्लीज, बहुत मेहनत लग रही है। इतना तो उसने शायद किसी और चीज के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं किया। और अगले दिन जब ये सब कुछ हो गया और हम एक फ्लास्क लेके आए स्टील वाला,
डबल लेयर वाला, ताकि ले जाने में वो चिल गर्म नहीं हो जाए, और उसके बाद उसे भी रख के फ्रीजर में रख दिया चिल करके, और लेके गए। सोच सकते हैं महाराज कितने सीरियसली लेते हैं आपकी रिक्वेस्ट को। गुरु जी नॉर्मली एक ग्लास पी लें तो बहुत बड़ी बात है, आधा पी लें तो किसी को दे देते हैं, लेकिन गुरु जी ने नियम से बैठ के आंटी की अरदास सुन के वो पूरा जूस कंज्यूम किया, 1 लीटर का 1 लीटर। अनबिलीवेबल। अब आरती वाली बात आई, तो जिनके नाम निकले थे वो उसमें भाटिया आंटी थी, प्रभा थी हमारी नागपाल आंटी, और केपी सिंह आंटी थी, और खूब सारे आंटियां थी, लेकिन कमांडर आंटी नहीं थी। अब ये दूर खड़ी है और देख रही है महाराज को। तो हुआ कुछ ऐसे कि जिस रफ्तार से आरती आंटियों को घुमानी थी, वो कुछ उन्होंने इतनी जल्दी से घुमाई कि आरती पूरी भी नहीं हुई और उनके सारों के नंबर खत्म हो गए। अगर आप लोग वो वीडियो देखें तो वो बड़ा क्लियर सा दिखता है। एंड देन महाराज का इशारा हुआ, गायत्री सबरवाल आंटी भी आंटी के साथ ही खड़ी थी, और एकदम गुरुजी का इशारा हुआ और इनके जैसे पंख लग गए, जैसे रॉकेट की तरह से दब जाते ना, इन्होंने सोचा कि एक इशारे से दूसरे इशारे के बीच में कि ना ना हो जाए। इन विद इन ए फ्लैश दे वर देयर ऑन द स्टेज एंड टुक पार्ट इन आरती। बट हाँ, इससे पहले एक चीज और, उसमें मदान आंटी का नाम भी नहीं था। तो शाम को जब मदान आंटी मंदिर में गई तो आउट ऑफ नोवेयर मथा टेकने के टाइम में गुरुजी ने आंटी से थोड़ा सा एक तंज कसा, आंटी फिर आरती में नाम नहीं लिख रहा लिस्ट में, पर्ची नहीं निकली तेरी। एंड जो रुआसी सी आंटी भी बोली, हाँ गुरुजी नहीं निकली। एंड देन मदान आंटी वॉज ऑल्सो देयर। तो इन सब ने बाद में महाराज की आरती की। तो एक बार गुरुजी ने डिसाइड कर लिया, आगे बढ़े। हम लोगों को गुरुजी ने पहली बार इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए बोला था, तो अब मैं कहां छपवाता? आज के जैसे रिसोर्सफुल सेवादार थोड़ा ही थे उस जमाने में। तो मैं अपने ऑफिस में गया, येलो पेज निकाला, एक एक रिम लाए, और उसके बाद में उसमें अपने लेजर प्रिंटर से प्रिंट कर लिया, गुरुजी को दिखाया। तो गुरुजी ने उसमें एक अमेंडमेंट करवाया कि ये गुड़गांव संगत के लिए लिख दे इस तरीके से कि, और फिर ये कहा कि गुड़गांव के बाहर जिसे भी देना होगा ये कार्ड वो मैं दूंगा, थोड़े से अपने पास रख लिए, बाकी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और गुरुजी ने हमें कहां कहां भेजा, फलाने को बुला के लाओ, फलाने को बुला के लाओ। मुझे याद है आर्मी की बटालियन में हम लोग गए गुड़गांव में, मनेसर में केग फार्म्स था, उनके ओनर से जाके मिलके सत्संग करके आए, जी आप आइए, किसी किसी को जाके दे दिया, जिन्होंने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना। हमें क्या, महाराज ने बुलाना था, हम तो बेल दबाते थे, दरवाजा खुलता था और हम बताते जी हमारे गुरुजी हैं और ये सत्संग है और आप आओ। एंड दे यूज्ड टू लुक एट अस लाइक ये कहां से आ गए भाई नमूने, कौन हो तुम भाई? क्योंकि जब वो पूछते हैं तो तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है, तुम कहते हैं हमारे गुरुजी का कोई नाम नहीं है जी, वो बस गुरुजी हैं। एंड दे यूज्ड टू गिव दैट लुक टू अस। एनीवे, जोक्स अपार्ट, हम सबको इनवाइट करके आए। जब गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी कितनी संगत का लंगर का इंतजाम करना है, क्योंकि मेन्यू तो महाराज ने बताया था, तो गुरुजी ने एक लंबा चौड़ा नंबर बता दिया था, ठीक उसी हिसाब से लंगर तैयार हो गया। और जब सुबह महाराज के आने का टाइम हो गया तो वो वीडियो अगर आप देखें तो उसमें 50 संगत नहीं थी टोटल। एंड वी वर फीलिंग सो लेट डाउन, महाराज ने कितने विश्वास से हमें ये सेवा दी थी कि ये कुछ कर पाएंगे, और हम महाराज को क्या मुंह दिखाने वाले हैं कि महाराज हमसे 50 संगत कटी नहीं, हम कितने कितने कॉन्फिडेंस से महाराज को गुड़गांव में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, और महाराज आ गए और 50 संगत नहीं होने वाली है।
तो वी लुक्ड एट ईच अदर एंड फाइनली डिसाइडेड कि इट इज टाइम टू डू सम मिलिट्री वर्क. और उसमें हमने जोशी अंकल को फोन करके रिक्वेस्ट की कि अंकल गुरुजी को थोड़ा सा देर से लेके आना, थोड़ी संगत इकट्ठी हो जाए यहाँ पे. तो उधर से मैसेज आया कि हम तो निकल चुके हैं बॉस, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ. सो वी वर रेडी एंड गुरुजी केम सेट ऑन हिज आसन और हम निगाहें छुपा के नीचे को देख के दाएं बाएं बगले झांक रहे हैं, महाराज क्या सोच रहे होंगे. एंड एज सून एज महाराज सेट ऑन हिज आसन, संगत स्टार्टेड पूरिंग इन. कौन सी संगत? जिन्हें हम इनवाइट भी नहीं करके आए. गुड़गांव में इतनी दिनों से सत्संग कर रहे थे, घर घर जाके सत्संग कर रहे थे, ये संगत उनमें से नहीं थी. मगर संगत आई, मत्था टेकने के लिए लाइन लग गई और खूब सारी संगत है. इतनी संगत आई कि सेवादारों को मैनेज करनी पड़ी लाइन. ये कहां से आए? ये हमारे इनविटेशन से नहीं आए. हमें तो ऐसे ही महाराज ने इनविटेशन देने के लिए बोल दिया, सेवा बता दी. गुरु की संगत, गुरु की संगत है, गुरु के बुलाने से आती है. और आई और उतनी आई जितनी महाराज ने बोला था. उसके बाद में जनरल कपूर गॉट अस ऑल टुगेदर, हमें महाराज के सामने ले गए बिफोर वाइंडिंग अप. एंड वी गॉट ए चांस जिसमें महाराज को मथा टेके, ही लुक्ड एट ऑल ऑफ अस एंड ही ब्लेस्ड एंड ही सेड, मैंने सबको ब्लेस कर दिया, पूरे गुड़गांव को ब्लेस कर दिया, जो आए हैं उन्हें भी कर दिया, जो नहीं आए हैं उन्हें भी कर दिया. तो कपूर अंकल ने कहा ठीक है. तो गुरु जी ने बोला नहीं नहीं माइक ले, अनाउंस कर. एंड देन ही अनाउंस्ड. और वो ब्लेसिंग उन सबके लिए तो थी जो वहां पे थे, उन सबके लिए भी थी जो गुड़गांव में थे और आए नहीं, उनके लिए भी थी जो संगत भी नहीं बने थे और बाद में जुड़े. सो बी रेस्ट अश्योर्ड दैट वाज़न्ट जस्ट फॉर अस, दैट वाज फॉर ऑल ऑफ अस. एंड दिस इज व्हाई गुड़गांव संगत, गुरुजी यूज टू रेफर द वर्ड गुड़गांव संगत इज नॉट माइन एंड योर क्रिएशन. गुड़गांव संगत इज गुड़गांव संगत बिकॉज गुरुजी यूज टू रेफर टू अस एज गुड़गांव संगत. एंड वेरी लविंगली एंड आई बिलीव वी वर नंबर टू आफ्टर पंजाब संगत इन टर्म्स ऑफ कितना दिल से जुड़े हैं. सो इट्स अ वेरी इमोशनल एंड वेरी फुलफिलिंग थॉट. एंड दैट ब्लेसिंग हैज स्टेड इन आवर मेमोरीज एंड इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर. हम लोग को इतना मजा आता है इसको रिलीव करने में और संगत के साथ आपके साथ बार बार शेयर करने में. दिस इज समथिंग दैट इज लाइक अ माइलस्टोन फॉर लाइफ. पिछली बार जब मैं सत्संग कर रहा था तो मैंने आपको वो बात बताई थी जो जो उषा भसीन आंटी ने हमसे कहा था कि शी फील्स एंड आई राइटली एग्री कि हम लोगों के तीन जन्म हुए. एक जन्म तो वो जब हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, दूसरा जन्म वो हुआ जब हम गुरुजी महाराज की शरण में आए, उनसे जुड़े, और तीसरा जन्म हमारा वो हो गया जब महाराज ने चोला बदल लिया. क्योंकि ये लाइफ फिर से शुरू हुई दिल से, इमोशन से, तो हम महाराज के साथ निकल लिए. वी आर हियर फॉर द थर्ड लाइफ बिकॉज ये लाइफ ना तो गुरुजी से जुड़ने से पहले की लाइफ वैसी थी जैसी महाराज से जुड़ने के बाद हुई, और ना महाराज से बिछड़ने के बाद लाइफ वैसी रही जैसे जुड़ने के बाद हुई थी. थैंक गॉड फॉर दिस संगत दैट वी गेट टू रीलिव दिस. थैंक गॉड फॉर दिस कनेक्टिविटी. थैंक गॉड फॉर दिस सेवा. महाराज का शुक्र है कि हमें सेवा मिली. हम अपने उस टाइम को याद करते हैं
आपके साथ शेयर करते हैं। एक छोटे से सत्संग और फिर आज के लिए वाइंड अप करेंगे। और वो ये कि आंटी ने मुझे बताया, फरवरी में जब लोहड़ी हुई तो गुरुजी ने 2007 की लोहड़ी में गजक बांटी। मुझे तो गुरुजी ने हाथ से ऐसे करके दे दी थोड़ी सी गजक, लेकिन कमांडर आंटी को गजक देने के लिए हर बार गुरुजी अच्छे से हाथ फैलाएं और जितना देना चाहते हैं उतनी नहीं आए तो उसे छोड़ के फिर से इकट्ठा करें। और वो वैसे वाले थे जो प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में राउंड कर करके जो वो रख के आती है ना, खुली गजक नहीं थी, छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट थे ट्रांसपेरेंट से, जिसके अंदर वो राउंड करके गजक बना के रख देते, वो खस्ता गजक जिसे कहते हैं, काजू भी था उसमें। तो वो बार बार उठाए एंड इट टुक सम टाइम बिफोर गुरुजी गॉट होल्ड ऑफ सिक्स ऑफ देम इन वन लिटिल टाइनी पाम ऑफ हिज एंड देन ही गिव इट टू हर। इट टुक ऑलमोस्ट हाफ ए मिनट और मोर एंड बाकी संगत वेट कर रही थी, बट कमांडर आंटी को वो उन्होंने 6 दे दी। हमने 3 तो खा ली और 3 रह गई और हम भूल गए कि हमारे पास ये 3 है। एंड जब गुरुजी ने चोला बदल लिया एंड देन सडनली वेंट थ्रू आर थिंग एंड देन से ये महाराज का दिया हुआ प्रसाद आज रखा है यहाँ पे हमारे, एंड वी सडनली फेल कि जैसे जैसे वो प्रसाद नहीं है, वो तो महाराज है। उनकी दी हुई कजक सामने एंड हम उसे देखते रह गए। फिर हमने उसका हलवा बनाया और वी हैड दैट प्रसाद। जय गुरु जी, संगत जी, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।